तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लग्जरी सुविधा मिलने वाली है, बेड सोफा और पूरा कन्वीनियंट डाइनिंग टेबल। यहाँ स्विमिंग पूल भी बन रहा है, देख सकते हैं हर कैंप के अंदर स्विमिंग पूल बनने वाला, पूरे इलेक्ट्रॉनिक की मतलब पूरी इलेक्ट्रिक लेकर के अपना यहाँ और आनंद लेंगे, बाबा भोलेनाथ की साधना, काशी की महत्व को सत्संग भी होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बनने वाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितना नाम सुना है उससे कहीं ज्यादा ही अच्छा बनने यहाँ के बारे में। ये क्या प्रोजेक्ट बन रहा है और कौन कौन कंपनियां बना रही हैं? हम टेंट सिटी बन रही है पूरी जी। ये अपने निरान निरान करके है वो बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, लल्लू जी एंड सन्स के, लल्लू जी एंड सन्स दो कंपनियां हैं, नाम है निरान प्रोजेक्ट नेम है एंड लल्लू जी एंड सन्स बना रही है। अच्छा। क्या सुविधाएं मिलेंगी लोगों को? सब सुविधाएं मिलेगी मैम, यहाँ ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे टेंट बन रहे हैं, यहाँ पे सब कुछ सुविधा मिलेगी, यहाँ पे सारी सुविधा मिलेंगी। इसे मतलब यहाँ के लोगों को मिलने वाली है, किसी पर्यटक तक के लिए सीमित होंगी? सबके लिए, ये तो सबके लिए, पर्यटक के लिए वैसे तो सबके लिए, जो भी आना चाहे। अच्छा। चार्ज लगेगा वो तो सबका, हर एक जैसे टेंट दिख रहे हैं आपको तो हर एक टेंट का चार्ज होगा। अच्छा। अकॉर्डिंग होगा। और सर ये तीन पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है ना, तीन, जैसे कि लग्जरी अलग है और क्या कहते हैं सुपर डिलक्स अलग है, तो सर उनका क्या किराया भी अलग अलग भी होगा? हाँ हाँ, सब कुछ अलग अलग होगा। हर जैसे मिनी दरबारी है, दरबारी है, ये सब लग्जरी है। अच्छा। सब अलग अलग है तो उनका सबका अलग अलग चार्ज होगा। लगभग 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक, 10 जनवरी तक पूरा रेडी हो जाएगा। तो एम्प्लॉय है, काम करने वाले काम। आप एम्प्लॉय हैं? कोई बात सर, बहुत जानकारी आपने हमें दे दी, थैंक यू सो मच। बन रहा है। हाँ। यहाँ पे लोग रुकेंगे, 14 जनवरी के बाद जो है कि शायद बुकिंग शुरू होगी। सरकार दे रही है टेंट सिटी वालों के लिए सारे सुविधाएं, यहाँ रहेंगे आपको। सर टेंट कितने यहाँ लग रहे हैं? 190 तक टेंट लेंगे इस साइड। अच्छा, इस साइड से दो कंपनियां टेंट यहाँ लगा रही है ना, एक इधर। अच्छा, एक इधर और एक इधर। जी हाँ। अच्छा, बहुत ही महत्वाकांक्षी है प्रोग्राम, जैसे आपने देखा गुजरात में लगाते है ना, तो गुजरात में आप देखें ना टेंट सिटी लगते हैं, सेम टू यही है मोदी जी का परिकल्पना। हाँ, कि वहाँ तो प्रोग्राम वगैरह भी होता, तो कि यहाँ प्रोग्राम वगैरह भी होगा? सब बन रहे हैं ना स्टेज, सब आप देख रहे हैं ना, वहाँ जाएंगे तो पूरे से बन रहे हैं प्लेटफार्म, उठा से घिरा रहे हैं। अच्छा। सारे यहाँ संस्कृत कार्यक्रम भी होंगे, देश विदेश के अपने कलाकार भी आएंगे। हाँ, उनके रहने खाने की व्यवस्था सब, सारा व्यवस्था इसी में रहे, यानी सब आधुनिक व्यवस्था यहाँ होने जा रहा है। सर तो यहाँ बाढ़ आता ही आता है, तो जब बाढ़ आ गया तो फिर क्या होगा सब चीज? नो, जैसे आप प्रयागराज देखें, आप जी प्रयागराज तो बसता है। हाँ। और फिर उछल जाता है। अच्छा। सेम टू सब चला जाएगा। हाँ, हाँ। ये 2 महीने के लिए है, सिर्फ 2 महीने के लिए है। हाँ। बुकिंग कैसे यहाँ पे होगी? रेटिंग बिकार करेगा, ऑनलाइन भी होगा। हाँ, ये काशी नगरी है बाबा भोलेनाथ की जी। और हर महादेव हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। ये बाबा भोलेनाथ की काशी नगरी है, उनके त्रिशूल पर बसी हुई है, और काशी में जो रहता है बड़ा आनंदमय रहता है हमेशा। हाँ, हमेशा मस्त रहता है, और काशी में कोई भूखा नहीं रहता, साक्षात माता अन्नपूर्णा बैठी हुई है काशी में। कोई जैसे मान लीजिए कि जगता तो जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है, साक्षात अन्नपूर्णा किसी न किसी रूप में आकर के उसको भोजन कराती हैं जी। और सरकार दे दिया है कंपनियों को ठीका टेंट लगाने के लिए, और ये खास करके पर्यटकों के लिए बन रही है। जो बाहर से पर्यटन घूमने लोग आएंगे वो 2 रात 3 रात जिसको जितनी दिन रहना है काशी में वो टेंट ले करके अपना यहाँ और आनंद लेंगे, बाबा भोलेनाथ की साधना करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और आनंद में बिताएंगे अपना समय जी। तो उनको क्या सुविधाएं और मिल सकती हैं? यहाँ सारी सुविधाएं रहेंगी, 5-स्टार होटल की व्यवस्था रहेगी। अच्छा। हाँ, 3-स्टार होटल की व्यवस्था रहेगी इस टेंट में। हाँ जी, और ये गंगा जी के रेत पर तो वो आनंद का अनुभव करेंगे, वो सुख का अनुभव करेंगे कि त्रिलोक में भी वो आनंद नहीं जी। जी खुलते ही यहाँ गंगा जी का दिल। हाँ हाँ हाँ, शाम होते ही आरती जी जी जी, यही बगल में दशाश्वमेध गंगा जी की महाआरती का दर्शन होगा,
माता गंगा जी का दर्शन होगा और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बाबा विश्वनाथ जी का भी दर्शन हो जाएगा। क्या ही बात है, सोच बड़ी अच्छी है हमारी सरकार की है। जी जी, अरे भारत का सौभाग्य है जी कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है भारत को, ये समझ लीजिए। और ऐसे नेता कभी कभी आते हैं और नहीं, बाकी जो आते हैं तो सब लूटने के लिए आते हैं, ये ऐसा एक नेता है जो भारत को कुछ देने के लिए आया है, ये समझ लीजिए। आपने बहुत, तो ये जो रूम बन रहा है ये वाला जी सर, ये रूम कैसा बन रहा है? ये दरबार लगेगा। अच्छा। हाँ, जैसे दरबारी लोग आते हैं, बहुत लोग अपने साथ बहुत लोगों को लेकर के आते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था है। अच्छा। कि जैसे मान लीजिए सुबह शाम अपना सत्संग भी करेंगे यहाँ, लोगों को उपदेश करेंगे काशी की महत्व को। सत्संग भी होगा? हाँ, सत्संग क्या बात है, बहुत बढ़िया बनने वाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जितना नाम सुना है उससे कहीं ज्यादा ये अच्छा बनने वाला है। जी, ये बहुत सुंदर व्यवस्था मोदी जी का जो ये कार्य है ना, ये बहुत सुंदर कार्य है और काशी के लिए एक नया चीज दे रहे हैं। जी, 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 उन्हीं की हो ही सकती है। जी, महापुरुष है ना, महात्मा है, उन्होंने भारत का भ्रमण किया है, वो भी खास करके महापुरुषों का संग किया है, संतों का संग किया है, तो ये संत ही ऐसा सोच सकता है। रखा हुआ है क्या? कौन एसी वगैरह का, ये जो रखा हुआ कार्टून में? हाँ हाँ, सारी व्यवस्था। जी जी, एसी भी लगेगी, माने सारा सिस्टम, सारा व्यवस्था लगेगा। जो आज की आधुनिक में व्यवस्थाएं चल रही हैं बड़े बड़े फाइव स्टार होटलों में, वो व्यवस्था यहाँ मिलेगी। थैंक यू सो मच सर। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारी चीजें यहाँ रखी गई हैं, पूरे पैक कर करके। यहाँ पे भी एसी भी लगने वाला है, मतलब पूरे फाइव स्टार व्यवस्था मिलने वाली। जो भी पर्यटक यहाँ पे आएंगे ना, बहुत ही खुश होकर जाएंगे, उनका पैसा अपना वसूल होने वाला है। इतनी बढ़िया मस्त चीज यहाँ बनने वाली है। और यहाँ पे मैंने बताया ना आपको 600 कैंप बनने वाले हैं, 600 टेंट यहाँ बनने वाले हैं। और जिससे काम कितना बढ़िया चल रहा है, काम बहुत जोर शोर चल रहा है। अभी आप गंगा मैया को आप देख पाएंगे और सूर्यास्त के साथ आप आरती का लुत्फ भी उठा पाएंगे, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो जो पर्यटक यहाँ आ जाते हैं वे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। मैं एक बार गजब के ये बनने वाला है हमारे पर्यटक के तक के लिए, और ये काम वाकई में सिर्फ मोदी जी ही करवा सकते हैं, किसी और की सोच के तो ये पर ही है। सारी चीज़ें यहाँ पे आके रखी गई हैं और बहुत तेज़ी में यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखिए कितना बड़ा ये त्रिशूल रखा गया है, टेंट के ऊपर लगेगा तो क्या गजब लगने वाला है। सारे काम एकदम A1 होने वाली है, कहीं कोई काम में कंजूसी नहीं हुई है। वाह वाली फीलिंग आने वाली है। यहाँ स्विमिंग पूल भी बन रहा है, देख सकते हैं हर कैंप के अंदर स्विमिंग पूल बनने वाला है। पूरी मतलब पूरी इलेक्ट्रिक की सुविधा मिलने वाली है आपको, कहीं से कोई भी कमी नहीं होने वाली है। तो कि हर एक जगह स्विमिंग पूल ही बन रहा है, मतलब यहाँ भी पूल है और वहाँ गंगा मैया पूल तो है ही है। बंद हो गया है ना ये? अरे गजब बन रहा है यार। सो फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लग्जरी सुविधा मिलने वाली है, बेड सोफा और पूरा कन्वीनियंट डाइनिंग टेबल सब कुछ लगने वाला लगा हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी तैयारी तो आधी भी नहीं हुई है और सो इतना सुंदर अभी से लग रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आगे कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो भैया ये जो खाना पीना ये लोग कहाँ से, खान पान कैसे होगा यहाँ पे? खान पान वो बाहर बन रहा है ना, उसी में बनेगा सारा। अच्छा, उसके लिए हलवाई वाला लगेगा? सब आएंगे बाहर से। जो ये मतलब किराया ले रहे हैं तो किराए में वो इंक्लूड होगा ना? हाँ, सारा इंक्लूड होगा। बस मिलने वाले हैं, देख सकते हैं क्या ही मस्त लग रहा है। अब बैठ कर ट्राई करते हैं सोफा है आखिर में कैसा है, नया नया चीज देता था, मन कर रहा है बैठ कर देखने का भी। वाओ, पहले ही मैंने ही यहाँ ओपनिंग कर दी है, गजब लग रहा है फ्रेंड्स ये तो एकदम। और यहाँ खिड़की भी लगी है भाई, ये देखिए बाहर से विंडो भी लगा हुआ है, तो यहाँ से आप झाँक झाँक कर देखिएगा कि कौन क्या कर रहा है ना, कितना ही मज़ा आने वाला है। आप सोच सकते हैं मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हो चुकी हूँ उस चीज़ को देखने के लिए। तो आई होप सो आज का आप ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना अच्छा बना हुआ है और इतना डीपली आपको किसी ने दिखाया अब तक तो वीडियो में नहीं होता, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ एक चीज़ दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इतने दूर से हम आए हुए हैं और बालू पर चढ़ के हम लोग आए हुए हैं दिखाने के लिए आपको, वीडियो दिखाने के लिए कि सारी चीज़ें आप जान लो मेरे वीडियो के अंदर। तो देख सकते हैं आप कितना ही ज़्यादा बढ़िया ये बना हुआ है। और यहाँ देखिए लाइट्स भी लग चुकी है, अंदर लग चुकी है, एसी की पाइप डाली गई हुई है। और ये ऐसे ही हर एक रूम बनने वाला है। नहीं
कुछ हम भी हेल्प कर दे इतना मेहनत आप लोग कर रहे हैं है? खाना पीना कहाँ खा रहे हैं वहाँ गाँव में दो टाइम खाना वाला मिल रहा है बढ़िया सा हाँ तो यही की बाहर के हैं मऊ से आए हुए हैं जी अच्छा अच्छा बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं यही बात ना हाँ ठीक है भाई अच्छा काम कर रहे हैं बड़ा मैं थोड़ा काम करते क्यों मजा आ गया इतना अच्छा बन रहा है मेहनत वाला काम ही करते हैं मेहनत से ही करते हैं ऐसा नहीं है बढ़िया काम करते काशी की नगरी पे आए हुए हैं इसलिए मैंने काशी की नगरी पे आप लोग आए हुए हैं जी किए आराम मुझे करिए एक बार भैया वो जाना किए अपना बोलिए पार्वती पते हर हर लहलामत बड़ी लामत वह ऐसे घुमा के बिड़वाया थे पूरा